एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और सुबह की हो रहे हैं 9:30 और मैंने आज हेयर कलर लगाया था तो अभी हेयर वॉश करके आई हूँ। और कल की व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी और मैंने आपके साथ कहा था पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर करने के लिए उस व्लॉग में, पर वो भी नहीं कर पाई। रीज़न ये था कि पापा, मैंने कहा था कि पापा रास्ते में सब्ज़ी मंडी पहुँच गए, पर पापा वहाँ से किसी अपने फ्रेंड के घर चले गए और रात को लेट आए थे, 9:30 बजे तक आए थे। और उस दिन मुझे भूख भी ज़्यादा लग रही थी और फिर पापा 9:30 बजे के आसपास आए, तो उसके बाद मैंने फिर पनीर भुर्जी बनाई थी, तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि 9:30 बजे नहीं करी मैंने रिकॉर्ड, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। मैंने अब भाई हेयर कॉम नहीं किए, हेयर कॉम्स कर लेती हूँ, हेयर कॉम कर लेती हूँ और बस फिलहाल तो यही है और बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, ना झाड़ू लगी है ना पोछा लगा है, तो अभी मैं पायल को कॉल कर रही हूँ, अगर वो फ़ोन उठा लेती हैं तो ठीक है, वरना तो फिर मुझे ही करना है या मम्मी और मैं मिलकर कर लेंगे। तो फिलहाल यही है। हाँ, बेडशीट मैंने बदल दी है, चेंज कर दिया बेडशीट मैंने, बेड वगैरह डस्टिंग वगैरह, और चाय पी लिया मैंने, चाय जस्ट अभी पी के और फिर मैंने व्लॉग की शुरुआत करी है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा। बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ये न्यू व्लॉग की मैंने शुरुआत कर दी है और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मेकअप किया है, जिसमें मैंने फाउंडेशन, हाइलाइटर, कॉन्टोर वगैरह सब कर डाला आज। तो चलिए अब व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो थोड़ी देर में आपको ये लुक सीखना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये लुक सिखाऊंगी। मेरी सिस्टर कह रही है कि अगर आपको ये लुक सीखना है या आप जानना चाहते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ ये मेकअप लुक ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। उमेश क्या 3 बजने वाले हैं, 2:30 बज चुके हैं, मतलब 2:30 से ऊपर का टाइम हो गया, 3 बजने वाले हैं। तो मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ और आज मैंने टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियो बना दी। काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज अपनी टिकटॉक पे प्रोफाइल ओपन करी और उसके बाद मैंने ढेरों वीडियो बना डाली, ढेरों मीन्स ढेरों वीडियो बना डाली। मैंने कहा चलो मेकअप किया है तो उसका कुछ फ़ायदा तो उठाएं, वीडियो ही बना देते हैं कुछ। और काफ़ी दिनों से मेरी इस पर यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पा रही, एक्चुअल में कुछ क्या बताऊँ आपको, एक्चुअल में पता नहीं मैं क्या बताऊँ आपको कि ना घर पर सब रहते हैं क्योंकि आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं, सेकंड सैटरडे, पापा भी संडे को कोर्ट ऑफ रहता है तो घर पे ही रहते हैं, और अब संडे है, संडे को भी घर पे ही हैं, कल मंडे बकरा ईद है तो भी घर पे ही होंगे, तो इस वजह से ना वीडियो शूट नहीं हो पा रही। और आज भी पापा कहीं गए हुए थे तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, इसलिए मेकअप वेकअप कर रहे थे मैं और मेरी सिस्टर। तो बस यही था, मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, आपके साथ मुझे अपनी बातें शेयर कर लेनी चाहिए। और ना मुझे मेकअप करके ना थोड़ा यार, जब हम मैं मेकअप करती हूँ, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैं जब मेकअप करती हूँ मुझे इतनी गर्मी लगती है, पता नहीं मेकअप करने के बाद मुझे बहुत गर्मी क्यों लगने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है मेकअप करने के बाद मुझे। किस किस को मेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम चाय बनाने की तैयारी कर लेते हैं, तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। चाय बना ली है, दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं ब्रेड सेक रही हूँ अपने लिए, भाई के लिए तो सैंडविच बनाए हैं, अपने लिए ब्रेड सेक रही हूँ क्योंकि इतनी मलाई थी कि जितने सैंडविच बन पाए। सैंडविच बनाए थे मैंने भाई के लिए, इतने ब्रेड सॉरी इतनी मलाई नहीं थी कि इतने सारे ब्रेड सैंडविच बनाए, तो फिर मैंने अपने लिए सिर्फ ब्रेड सेक लिया है और चाय पी।
चाय पीऊँगी कटोरी में ठंडी करके, क्लास में बहुत गर्म गर्म हो जाएगी तो पीनी जाएगी इस वजह से। तो जिस जिसने चाय पीनी है आ जाओ ब्रेड के साथ। और इसमें मैंने लगाई है चटनी, मैंने सुबह चटनी बनाई थी, नहीं नहीं दोपहर को चटनी बनाई थी लहसुन टमाटर और प्याज और लाल मिर्च की, बहुत ही यम्मी बनी थी। तो जिस जिसने खानी है ब्रेड और चाय तो आ जाओ। दोबारा से हाई कर रही हूँ और शाम के 7:15 हो रहे हैं, 7:15 नहीं 7 बज चुके हैं एक्चुअल में। और खाना बना दिया है, रोटी बना ली है हमने और चाय वगैरह तो पी ली थी मैंने, आपके साथ शेयर किया है। और क्या करें, आज संडे और आज घर पे कोई नहीं, पापा एक्चुअल में गए हैं गांव, भाई गया है पार्क में, हमारे यहाँ पर मेला लग रहा है तो मेला लगने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं, झूले वगैरह लग रहे हैं। हमारे यहाँ पर हर साल रक्षाबंधन पर मेला लगता है। और सिस्टर अभी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई हुई है और मैं और मम्मा हैं घर पे, मतलब मम्मा भी बाहर बैठे हैं, मैं हूँ सिर्फ अकेले अभी घर पे। तो सोचा चलो थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए आपसे बातें नहीं किया। और आज मुझे मेकअप करके अपना चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब अजीब सा, मैं नॉर्मली इतना मेकअप डेली करती नहीं हूँ ना तो आज। और मैंने वापस से जूड़ा बना लिया, ज़्यादा देर बाल, ये मेकअप करके मुझे इतनी गर्मी लग रही है और बाल खुले करके तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ मेकअप के, मेकअप में यानी मैं भी शावर लेने जा रही थी, फिर मैंने कहा शावर लेके आऊँगी तो सारा मेकअप साफ़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपना ये थोड़ा सा मेकअप लुक शेयर कर देना चाहिए मुझे। और ये मेकअप लुक किया मैंने, बट मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट करती गई कि तू ये लगा ये लगा ये लगा ये लगा ये लगा, मैंने कहा ठीक है। तो कह रही कि कल ना हम न्यूड मेकअप करेंगे, हम दोनों सिस्टर अगर घर पे होती हैं ना तो हम ऐसे ही उलटपटांग हरकतें करती रहती हैं, तो वो वीडियो में जल्दी से आती नहीं है। अब मैं क्या करूँ, वीडियो में नहीं आती, कोशिश मैं करती कि वो वीडियो में आए पर वो आती नहीं है। चलो जब उसका मन होगा तो हम ज़रूर से अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। और फिलहाल कुछ नहीं है तो व्लॉग में बने रहिएगा कहीं जाए। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।